इस वीडियो में सेम नेल कलर पे मैंने 5 डिज़ाइन बनाई है, ठीक है। सबसे पहले तो हल्का सा ब्लैक कलर लेना है और इस तरह से ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे ट्रायंगल बनाएंगे। और हाँ, ट्रायंगल थोड़ा मोटा होना चाहिए, मतलब लाइन मोटी होनी चाहिए, पतली पतली लाइन मत देना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम कलर भरने वाले हैं। कलर आप जो भी भरना चाहते हो भर सकते हो, ठीक है। मुझे जो कलर पसंद आए मैंने वो कलर भरे हैं, ठीक है। आप नेल पेंट का भी यूज़ कर सकते हो, कलर का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने वाटर कलर लिया है, ठीक है। कोई भी कलर लेने से पहले ब्रश को अच्छे से धो लेना और उसे एक सूखे कपड़े से पोंछ लेना। ब्रश में बिल्कुल ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, वरना आप जो भी कलर लोगे उसमें ब्लैक मिक्स हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। इस नेल आर्ट के लिए मैंने ब्लैक कलर से पतली पतली लाइन बनाई है और फिर उसके ऊपर हम छोटे छोटे बिंदु बनाएंगे ब्रश की मदद से ही। आप चाहो तो टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है, मगर अगर आप टूल का इस्तेमाल करोगे तो बिल्कुल गोल गोल लाइन बनेगी और मुझे गोल गोल लाइन नहीं चाहिए। मतलब यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा ना तो ये अच्छा लगेगा, एक फ्लावर की तरह लुक आएगा। आप चाहो तो इसको ब्लैक से कर सकते हो या फिर पिंक से, किसी भी कलर से कर सकते हो, मगर मैंने ब्लैक का ही। और फिर मैंने साइड साइड में ब्लैक से छोटे छोटे डॉट बनाए, ठीक है, मतलब छोटे छोटे बिंदु। फूल बनाने के लिए अगर आप किसी और कलर का इस्तेमाल कर रहे हो तो साइड में जो बिंदु है वो किसी और कलर से बनाना, वाइट से मत बनाना, ठीक है, या तो ब्लैक से बनाना, या तो फिर अगर आपने ऑरेंज लिया है तो साइड वाले जो बिंदु है वो ब्लू से बनाना, दो अलग अलग कलर से बनाना, ठीक है। तीसरे नेल आर्ट के लिए मैंने कलर को हल्का सा गीला किया है और उससे पत्ते बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने पत्ते बनाए हैं, मगर बाद में ये कलर कुछ ज़्यादा ही गीला था इसलिए डिज़ाइन ख़राब हो गई। तो आप कलर को ज़्यादा गीला मत करना, ठीक है, वरना वो फैल जाएगा, क्योंकि बाद में ये फैल गया था। तो फिर मैंने उसे हटा दिया और ये दूसरा नेल आर्ट है, इसमें भी मैंने पत्ता बनाया है पर इसमें कलर मोटा है, ज़्यादा पतला नहीं है इसलिए कलर फैला नहीं तो डिज़ाइन ख़राब नहीं हुई, ठीक है। इस तरह करके पत्ते बनाने हैं और देखो, या तो आपको नहीं आता है पत्ता बनाना तो सबसे पहले गोल बनाना, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया है। फिर साइड साइड में लाइन खींचनी है ऊपर और नीचे और इस तरह से मिला देना है, ठीक है। इस तरह करके आप पत्ते बना सकते हो, पहले गोल बनाओ फिर ऊपर और नीचे एक लाइन दो, लाइन ज़्यादा लंबी नहीं देना है, ठीक है। जिस भी साइड में आपको पत्ता बनाना है, जैसे ये इस साइड मुड़ा हुआ है तो मैंने इधर एक लाइन बनाई है और इधर एक छोटी सी लाइन बनाई है, ठीक है, और फिर दोनों को मिक्स करना है और फिर इस तरह पतली सी लाइन खींच करके सारे पत्ते को इसमें मिला देना है इस तरह से। नाखून में जितनी भी जगह थी उस हिसाब से मैंने 5 पत्ते बनाए हैं। इस नेल आर्ट के लिए मैंने कलर को थोड़ा सा गीला किया है और नेल आर्ट बनाने के बाद जो ब्रश को मैं धोती हूँ ना, ये वही पानी है, ठीक है, तो ये मत समझना कि ये कुछ और है, पानी का कलर ऐसा हो गया है। तो कलर को अच्छे से मिक्स करना है पानी में तो कलर पतला हो जाएगा और इस तरह से आपको अच्छे से चलाना होगा, वरना कलर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और वह ब्लैक दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल हल्का कलर आएगा तो डिज़ाइन पता चलेगा ही नहीं। तो आपको अच्छे से सारे कलर को मिक्स करना है कि वो थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए, थोड़ा मोटा भी हो जाए कलर। उसके बाद इस तरह से डॉट डॉट करते जाना है और ये मैंने ब्रश से ही किया है, आप चाहो तो टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जितना लंबा फ्लावर बनाना है बनाओ, उसके बाद पतली सी लाइन खींच देना इस तरह से।
ये पांचवा और आखिरी नेल आर्ट है। देखो इसमें जब मैंने लाइन खींची है तो बिल्कुल हल्की है। मैं उस टाइम यही बताने वाली थी कि अगर आप कलर को अच्छे से मिक्स नहीं करोगे, पानी को कलर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं करोगे, तो इस तरह से हल्की लाइन बनेगी। ठीक है, तो कलर को अच्छे से मिक्स करना, वरना फिर मैंने यहाँ पे जब ये कलर बहुत पतला हो गया था तो इस तरह से कलर को मिलाया और हल्का सा इस तरह से पत्ते के ऊपर कलर को रखा, तो जब ये सूख जाएगा तो ब्लैक ही दिखेगा। तो इसी तरह से मैंने और भी पत्ते बनाए हैं। देखो अब जब मैंने इसे मिक्स किया है अच्छे से तब ये पूरा ब्लैक दिख रहा है, वरना लाइन देखो वो कितनी हल्की दिख रही है। अब मैंने कलर चेंज तो किया नहीं है, कलर तो वही है, तो इसलिए जब पानी डालो कलर में तो पानी और कलर को साथ में अच्छे से मिक्स करना होगा। ठीक है, ब्रश को उसमें आपको बार बार घुमाना है। आप मिक्स करने के लिए छोटा ब्रश नहीं बड़ा ब्रश भी ले सकते हो और उसे अच्छे से मिक्स करो। कलर थोड़ा थिक हो जाना चाहिए, वरना अगर आप कलर और पानी को अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो वो पतला रह जाएगा और आप देख ही रहे हो उसके बाद क्या हाल है। लास्ट वाले पत्ते में आप देख सकते हो कि कलर जो है दो तरीके का है, एक मोटा एक हल्का। तो कलर जहाँ आके जम गया था वहाँ मोटा हो गया है और बाकी जगह हल्का। इस नेल आर्ट में हम फ्लावर बनाएंगे, तो ब्रश में हल्का सा रंग लेके जो ज़्यादा कलर है उसे ब्रश से निकाल ले और उसके बाद फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ये बीच का पार्ट है। अब इस तरह से इसके पत्ते बनाएंगे फूल के। फूल बनाते वक्त सारी लाइन पतली होगी क्योंकि इसके अंदर हम कलर भरेंगे और उसके बाद ग्रीन कलर से हम पत्ते भी बनाएंगे। इस तरह हल्का हल्का नीचे की ओर खींचना है ब्रश को, हल्का सा सटाए और नीचे की ओर खींचे तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा और लगेगा कि पत्ता वहाँ से मुड़ा हुआ है। और फ्लावर के बीच में मैंने हल्का मोटा किया है लाइन को, ऑरेंज कलर से मैंने इसे कलर किया है लेकिन मैंने पत्ते को पूरा कलर से भरा नहीं है। इस नेल आर्ट के लिए हम दो लाइन खींचेंगे, एक ब्लैक एक वाइट, उसके बाद ऑरेंज कलर से इसमें पत्ते बनाएंगे। इस नेल आर्ट में हम दिल बनाएंगे। इस तरह से आप ब्रश से भी बना सकते हो, मैं बाद में टूल से भी दिखाऊंगी। या तो आप पहले दिल बना लो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो, जिस डिजाइन का बनाना चाहते हो, उसके बाद हल्का सा कलर लेकर के उसे भर दो। ठीक है, या तो फिर आप टूल के मदद से बना सकते हो। हल्का सा कलर लो टूल में, ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना वो फैल जाएगा। हाँ, टूल से भी कलर फैल जाता है। ठीक है, तो आपको छोटे वाले साइड से नहीं बड़े वाले साइड से बनाना है। कलर लो इस तरह से दो जगह, इसे अच्छे से लगाओ। अब फिर आपको यहाँ पे ब्रश इस्तेमाल करना होगा, तो ब्रश से दोनों कोने को मिला दो इस तरह से। तो अभी ये दिल बन गया। अब बीच में एक छोटा सा बिंदु देना है, तीनों दिल के बीच में। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कलर करूंगी। तीनों दिल को मैं आधा आधा कलर करूंगी, ठीक है, ब्लू से। इसमें मैं गुलाब का फूल बनाऊंगी, इसमें तीन छोटे छोटे फूल होंगे और एक और गुलाब बनाऊंगी, उसमें पूरे नेल पे मतलब गुलाब के पत्ते ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको बनाना है। जितने भी पत्ते आप बनाना चाहते हो उतना बना लो। पत्ते को मोटा बनाना है तो कलर को फैला दो इस तरह से, नहीं तो आप पतला बनाना चाहते हो तो पतला बनाओ।
इसमें पूरे नाखून में ही पत्ता रहेगा गुलाब का, ठीक है। तो पहले तो एक पतला सा पत्ता, उसके बाद बाकी जितने पत्ते रहेंगे वो थोड़े मोटे होते जाएंगे, जैसे जैसे आप पत्ता बनाओगे वो दूर होते जाएगा पहले वाले पत्ते से, तो वो मोटा होते जाएगा, ठीक है। आपको मोटा करना है जैसे इस तरह से। इसके बाद जो दूसरा पत्ता बनाओगे वो इससे थोड़ा सा मोटा बनाना, और साइड साइड में इस तरह से पतला होना चाहिए, मोटा सिर्फ बीच में होगा, ठीक है। और इसमें भी हम कलर करेंगे। कलर मैंने वाटर कलर से किया हुआ है, और मैंने दोनों नेल को साथ में कलर किया है, देख लो आगे। या तो आप अलग अलग कलर ले लो, या फिर आपको जो भी पसंद है वो कोई एक कलर चूज़ कर लो, या फिर आपकी ड्रेस की जो कलर है आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। इस नेल आर्ट के लिए मैंने बस ब्रश से पतली पतली लाइन बनाई है, और फिर उसको अलग अलग कलर से कलर कर दिया है। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए है, मतलब 12 से 13 साल के बच्चे के लिए। सबसे पहले हम एक गोल बिंदु बनाएंगे, और फिर पतली लाइन खींचेंगे, फिर एक और बिंदु बनाएंगे और एक और लाइन खींचेंगे, और इससे हम फ्लावर बनाएंगे, तो एक और लाइन खींचे, और इस सबसे हम पत्ते बनाएंगे। जितनी लाइन हम बना रहे हैं इसमें हम पत्ते बनाएंगे, ठीक है। और जो गोल गोल बिंदु है वहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे ग्रीन कलर से। तो सबसे पहले इस तरह से पत्ते बनाना है। अब ब्रश को हल्का हल्का चलाना है, ठीक है, ज़्यादा दबाव नहीं देना है ब्रश में। इस तरह से पत्ते बना ले, फिर ब्रश को अच्छे से धो लेना है, साफ कपड़े से पोंछ लेना है, उसके बाद ग्रीन कलर ले और पत्ते में भर देना है। मैं फ्लावर भी ग्रीन कलर से बना रही हूँ, आप चाहो तो कोई और कलर ले सकते हो, ठीक है। तो जो गोल बिंदु है ना, हम उसी के पास इस तरह से ब्रश को घुमाएंगे, ठीक है, इस तरह से गोल घुमाएंगे। बस ये कंप्लीट, फ्लावर भी हो गया और पत्ता भी हो गया। चाहो तो फ्लावर को आप ऑरेंज कलर से, रेड कलर से, पिंक कलर से भी बना सकते हो, या आपका जो मन उस कलर से बनाओ। इस नेल आर्ट के लिए ब्रश में हल्का सा कलर लेना है, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से गोल बनाना है, और फिर इस तरह से कलर को फैला देना है, ठीक है। और इसी तरह से कुछ और गोल गोल बनाएंगे, और उसके देखो इस तरह आगे पीछे करते हुए ब्रश को हल्का सा फैला देना है, ठीक है। कलर को, मतलब कि जब आप ब्लैक ब्लैक कलर बना रहे हो तो कलर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ब्रश में, ठीक है। अब ये जो वाइट वाइट बीच में गोल गोल खाली दिख रहा है ना, इसमें आप कोई भी कलर भर सकते हो, मैंने ऑरेंज भरा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फ्लावर दिखेंगे, इजी है, सिंपल है, और हाँ इसे बच्चे बना सकते हैं, तो ये स्पेशली बच्चों के लिए ही था।